Hello students, so this is question number 101. Now the question is, in which of the following technique the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive, मतलब जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है तो उनके अंदर डायरेक्टली अपन क्या करते हैं बच्चों, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। ये आपके चैप्टर 4 है बच्चों, 12th स्टैंडर्ड के अंदर उसका क्वेश्चन है। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ 12th स्टैंडर्ड बच्चों, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बाद आपके ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो एक चैप्टर है बच्चों उसका क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है तो अपन क्या डालते हैं बच्चों, वो जो आपका एम्ब्रियो है वो किस में डालते हैं, तो इट इज जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, दैट इज जिफ्ट। और एक डालते हैं बच्चों अपन इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, दैट इज आईयूटी। नाउ दीज आर द पार्ट, सो जिनके भी अंदर एम्ब्रियोस को कैसे ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, तो कौन सी सेल स्टेज में किया जाता है, तो टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ है इट इज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। तो 8 ब्लास्टोमियर्स जब तक होती है उसमें बच्चों जिफ्ट और आईयूटी। सो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक। उसी चैप्टर का बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज सेम चैप्टर 4 12th स्टैंडर्ड। आप देखो बच्चों इससे दो क्वेश्चन आए इस बार। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो डायरेक्ट लिखी हुई है बच्चों, दैट इज गोनोरिया इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड जेनिटल हर्पीज इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसमें बच्चों आपका जो है मलेरिया नहीं है, मलेरिया नहीं है और कैंसर नहीं है, सो ये गलत हो गया ऑप्शन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 1, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई, मैंने वापस बोला बच्चों जैसे ही रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है अंडरलाइन इट रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नाउ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों अपन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ही सेचुरेटेड डिपेंड करता है, उसी का कर्व होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, यस कर सकती है, अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो बाइंडिंग कम होगी, सो इट विल अफेक्ट। हायर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन, बच्चों डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज फ्रॉम बच्चों चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड का है ये, और जो चैप्टर है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 17 ह्यूमन फिजियोलॉजी का बच्चों। और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है H+ आयन अगर बढ़ता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होता बच्चों, ऑक्सीहीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, क्लियर, सो डीऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है बच्चों। लाइकवाइज तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है बच्चों, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 होना चाहिए और लोअर CO2 होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। पूछा है रॉन्ग कौन सा है, so this third statement is wrong, so therefore answer is 3, so iska jo answer hoga bachchon wo kaun sa hoga, so answer for this question is 3, to iska jo answer aayega bachchon wo kya aayega aapka, third answer aayega। now next dekho bachchon, this is 104, again find out the incorrect, aap dekho bachcho kitne question aise diye hain iske is baar isme, wrong, correct, incorrect, false। now हार्टवुड बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैडम ने करवा दिया होगा आप लोगों को, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर टिक कर देता हूँ। सो ये जो सैपवुड है बच्चों, थर्ड इज द आंसर, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ये मैडम ने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है बच्चों। ना 105, द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है बच्चों, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA, यस डेफिनेटली वो पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट करने के बाद पता लगाता है कि मेरा सीक्वेंस कहां पे, दैट इज पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस, तो यस इट इंस्पेक्ट, रॉन्ग बताना है बच्चों। दे कट DNA स्ट्रैंड एट पॉलीएंड्रोमिक साइट, जो भी मैंने बताया, यस दे कट इट एट पॉलीएंड्रोमिक साइट। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, विदाउट देम द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ स्टिकी एंड कैन ज्वाइन बाय यूज ऑफ DNA लाइगेज, बच्चों जो स्टिकी एंड DNA लाइगेज से जुड़ रहे हैं उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, सो अगर इसमें देखने जाए सो दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द आंसर इज दिस वन, दैट इज 4th। तो ये बच्चों आंसर हो गया आपका, रॉन्ग स्टेटमेंट है इसलिए आंसर आपका कौन सा हो गया, 4th, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ फ्लोरिडीन स्टार्च इज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू,
ये भी बच्चों मैडम ने आपको बता दिया होगा, एमाइलोपेक्टिन और जो आपका ग्लाइकोजन है उससे रिलेट होता है, वहां पे मैडम ने चैप्टर भी बताया होगा किस चैप्टर में से है, 11th का पोर्शन है बच्चों। नाउ चूज करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड बच्चों। नाउ लाइगेज जॉइन्स द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, यस 2 डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम लाइगेज करता है, दिस इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस। पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट बच्चों, पॉलीमरेजेस ब्रेक्स द डीएनए, पॉलीमरेजेस पॉलीमराइजेशन करते ब्रेक नहीं करते, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। न्यूक्लियसेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लियसेस 2 स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं करते, 2 स्ट्रैंड को किसी जगह से कट करने के काम आते, 2 स्ट्रैंड को सेपरेट कौन करता है, हेलिकेज, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्सोन्यूक्लियस मेक्स द कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, नो एक्सोन्यूक्लियस ओनली एक्ट ऑन टर्मिनल एंड, इट इज द एंडोन्यूक्लियस विच एक्ट ऑन दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस which makes the cut at a specific position, so this is also wrong. So question is what, which is the correct pair, so the correct pair is this. So jo aapka 107 question hai bachcho, iska jo answer hoga that is first. Now next dekhte hain bachcho apan, embryological support for evolution was disproved by, kisne isko disproved kiya tha bachcho, so it is directly written, it is Carl Ernst von Baer, biogenetic law karke tha bachcho. So, first answer is directly, it is again given in textbook, it is from the evolution chapter. Now, the first phase of translation is, bachcho ye wapas molecular basis se, sabse pehle translation ka, sabse first phase kya hota hai? To textbook mein directly likha hua hai bachcho, it is the amino acylation of tRNA. Sabse pehle tRNA ko apan kya karte hai? Charge karte hai, aur charge karne ke liye we have to add amino acid in it. So, answer is third. Now 110, the plant which consists of 2 generation, one within the other. ये एक अच्छा question था बच्चों, जिसको मैं थोड़ा hard बोल सकता हूँ. It's not a tough question, but अच्छा question बोल सकते हैं. Pollen grain inside the anther, that is the first answer. Germinating pollen grain with 2 male gametes, this is not an answer. Seed inside the fruit, this is not an answer. Embryo से एक within the ovule. So these A and B, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? It is the 2 generation, one within the other. तो अगर इसको अपन देखें, so answer is fourth. तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा आपका, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ। का जो आंसर होगा बच्चों दैट इज फोर्थ आंसर, दैट इज ए एंड डी आर करेक्ट, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फिर ये है बच्चों द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, बच्चों मेरे चैनल के ऊपर मैंने पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल समझा रखा है अच्छे से, और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर बच्चों जहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है बच्चों, क्लियर, वहां पे तो जो आपका 5 कार्बन कंपाउंड है व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, वहां पे बच्चों एक जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी एंड देन एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, सो जहां पे भी आप ऐसा देखते हो जीडीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटीपी और उसी पे एडीपी फिर उसमें से फॉस्फोरस लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी। दिस इज द ओनली स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, तो बच्चों जो अपना ग्लाइकोलिसिस होता है वहां पे 2 जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, और यहां पे कितनी जगह होता है, देयर इज ओनली 1 प्लेस वेयर द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, सो आंसर इज 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसको भी मैं हार्ड में बोल सकता हूँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट सो हार्ड, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इट इज एन इजी क्वेश्चन, बट इसको बोल सकते हैं बच्चों अपन। Now, उसके बाद आप देखो बच्चों ये वापस मैंने आपको बोला मैच द कॉलम इस बार बहुत इजी आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, नाउ जस्ट सी व्हाट इज फ्लोटिंग रिब्स, बच्चों ऐसी रिब्स जो कनेक्ट नहीं करे स्टर्नम से, तो यहाँ ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, फ्लोटिंग रिब्स किसको प्रोटेक्ट करती है बच्चों, किडनी, क्लियर। उसके बाद आप देखो बच्चों ये जो ग्लेनोइड कैविटी है उसमें कौन फिक्स होता है, सो ग्लेनोइड कैविटी में फिक्स होता है हेड ऑफ ह्यूमरस, अब अपन देखते हैं ए का 4 कहां है बच्चों, तो आप देखो ए के अंदर 4 सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक जगह पे गिवन है, ए का 4 सिर्फ कितनी जगह पे गिवन है, ओनली 1, एंड देयरफॉर डायरेक्टली आंसर इज द 4th, मतलब इसमें बच्चों आप देखो अपन को देखने की भी जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली टिक द आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट आ रहा है,
Then question number 113, match the following disease with the causative organism and the select correct option. अब देखो बच्चों वापस वही क्वेश्चन मलेरिया का फिर पूछ लिया इन्होंने. देखो मलेरिया कैसे होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम. मतलब डी का आंसर क्या है, टू. नाउ हैव अ लुक, डी का आंसर टू सिर्फ कितने ऑप्शन है बच्चों, देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पे डी का टू है. डायरेक्टली टिक कर दो बच्चों, सोचने की भी जरूरत नहीं है, वापस चेक कर सकते. ए का थ्री, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफस से होता है, परफेक्ट है. बी का फोर, बी न्यूमोनिया हिमोफिलस और डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है, टेक्सटबुक में लिखा हुआ है. सी का वन, फाइलेरिया से सोचेरेरिया वेनक्राफ्टाइट से होता है. तो बच्चों ये जो सारे हैं आप देखो, सिर्फ एक टिक करने से आपका आंसर आ गया. सो आंसर इज टू. सो इन दिस केस द आंसर इज टू. नाउ नेक्स्ट, दैट इज 114. क्लियर? सो यहां से बच्चों अपन नेक्स्ट उसमें करते हैं. थैंक यू.